नमस्कार साथी, मैं पवन शुक्ला आपका एक बार फिर इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले चैनल में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को सीरीज़ वाइज टिप्स दिए जाएंगे इंग्लिश के बारे में, तो आज के लेसन में, आज की क्लास में मैं आपको दो तीन पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूं। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। हो सकता है कि शुरू में कुछ बातें अगर ना समझ में आए तो आप लास्ट में देखेंगे या बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको इससे आसानी हो जाएगी। आइए, इससे पहले मैं शुरू करूं। कल मैं आपको गोल के बारे में बता रहा था और लोगों की अपनी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा था। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। इसी प्रकरण में मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ कि जब जामवंत जी और हनुमान जी ये सब समुद्र के किनारे खड़े थे और सीता माता का पता लगाना था, तो अंगद जी से जब उन्होंने कहा, जामवंत जी ने कहा कि अंगद जी, क्या आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तो साथियों, अंगद जी ने कहा, अंगद कहें जाओ मैं पारा जी संशय कछ फिरती बारा, कि हे प्रभु मैं चला तो जाऊँगा बट आ नहीं सकता। तो इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं जो शुरू तो कर देंगे बट ख़त्म नहीं करेंगे। कोई चीज़ जोश में कुछ दिन तक तो चलाएंगे बट आगे नहीं चला पाएंगे। तो आपको कैसी विल पावर चाहिए मैं बताना चाहता हूँ। जामवंत कह तुम सब लायक, पठाई किम सब कर नायक, कहें रीछपति सुन हनुमाना। एक करेक्टर देखिए यहाँ पे हनुमान जी का भी है, उनको प्रणाम करता हूँ। का चुप साध रहे बलवाना, तो हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी आप क्यों चुप हैं, हमें आपकी ज़रूरत है इस वक्त। तो हनुमान जी ने देखा कि मेरे अंदर ऐसा क्या है। तो आप में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा ये मानते हैं कि उनको कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा शुरुआत से ही शुरू करना चाहते हैं कि सर आप हमें शुरू से ही समझाइए, ये मान के चलिए हमें कुछ नहीं आता। वही अवस्था हनुमान जी की थी। दूसरा लेसन इसी प्रकरण में हम ये सीख सकते हैं कि आपके पास वो सारी विल पावर, सारी नॉलेज, सारा दिमाग है, ज़रूरत है तो सिर्फ़ एक मैप बना के उस पर मेहनत करने की, लगातार मेहनत करने की। तो जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास नहीं था, कई बार आपको या हमारे को अपनी शक्तियों का आभास नहीं हो पाता है, इस वजह से कुछ घबराहट रहती है, कुछ कन्फ्यूज़न रहती है माइंड में। उसके बाद जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन सुमाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो तुमसे नहीं हो सकता है। इतना कहते ही हनुमान जी का शरीर पहाड़ के समान मजबूत और बहुत भारी शरीर हो गया उनका, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। मैं चाहता हूँ इसी तरह इस यात्रा को शुरू करने से पहले आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हो। तो आइए अब हम लेसन की बात करते हैं, पॉइंट पर हम आते हैं। तो आपको भी चाहिए कि अगर आप में से कई लोग, बल्कि हम सभी पे कई बार ये लागू हो जाता है, अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, तो हमें ये चाहिए कि अपनी उस खोई हुई शक्तियों को जगाएं, हमें कोई मोटिवेशन दे, जगाए, हमें हेल्प करे। इसी तरह आपको कई बार खुद को जगाना पड़ता है, इनर मोटिवेशन, कई बार आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो मोटिवेटेड रहिए। अब आइए हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैनल पे आपको मेरी कोशिश यही होगी कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चैनल क्लासरूम आपको बना कर दूँ, वो सारी बातें इसमें शेयर करूँ जो आपको कहीं और चैनल में ना मिले, आपको भटकना ना पड़े। सभी गुरुओं का सम्मान है, सभी चैनल का सम्मान है, सभी आपको कुछ बढ़िया बताते हैं। इसी तरह मेरा भी प्रयास है कि मैं भी आपको कुछ हट कर दूँ। तो हर लेसन की शुरुआत कुछ क्वेश्चन से होगी। ये वो क्वेश्चन होंगे, मैं शुरू में आपसे डिस्कस करूंगा हर वीडियो में, ये वो क्वेश्चन होंगे जिसका सामना, जिसकी वजह से हर किसी को कभी ना कभी मुश्किल आती है। बच्चे पूछते हैं कि सर ये नहीं आता, ये सवाल नहीं आता, सर इसका क्या होगा। तो मैं सीधा उन क्वेश्चंस को लेकर ही इस क्लासरूम की शुरुआत करूंगा। साथियों, मैं इसको एक चैनल बना के नहीं रखना चाहता, एक क्लासरूम बनाना चाहता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं अपनी बात को उन समस्याओं के थ्रू पहुँचा सकूँ। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन लोगों का भी भला होगा जो कि अभी शुरू करना ही चाहते हैं, क्योंकि अभी इस चैनल की शुरुआत ही हो रही है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप और भी वीडियोस आएंगी। तो आइए, पहला क्वेश्चन ये है कि सर कुछ शब्द ऐसे होते हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, जैसे आई वी यू दे, इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी तरह लोगों को नहीं पता होती है। सर आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम होता है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन हमारी रिसर्च ये कहती है कि जैसे जैसे आप डीप में जाते हैं, जैसे आई मी माई माइन माई सेल्फ, ये पूरी फैमिली है, ऐसी हर वर्ड की अपनी एक फैमिली है। तो शुरुआत में उसकी हिंदी से कर रहा हूँ। आपके सामने, आप स्क्रीन पे देखेंगे, इस वक्त आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आई वी यू दे ही शी,
कि फैमिली की हिंदी क्या होती है। इसमें काफ़ी सारी हिंदियाँ दी हुई हैं। ये हिंदी इसलिए साथियों क्योंकि मैं, हम, आप, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी इंग्लिश आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी भाषा आगे बढ़ती जाती है, तो इसी आई के कई मतलब हो जाते हैं, इसी वी के कई मतलब हो जाते हैं। तो क्या क्या मतलब होते हैं ये आप अभी आपके सामने जो हाफ स्क्रीन पे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा साथ में ताकि दिक्कतें दूर हो जाएँ। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आई का मतलब। तो इसको मैं अभी अलग अलग आपको प्रेजेंटेशन शीट्स जो हैं वो आपको अलग अलग देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे अभी शुरू में सारे वर्ड्स जो हैं उनकी जो मीनिंग है, वो जिनकी हिंदी अमूमन हमें बहुत कम पता होती है, लेकिन इसमें आपको सारी हिंदी दे रखी है, ये अभी काम नहीं आएगी, आने वाले टाइम में काम आएगी जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता जाएगा। जैसे आई का है, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जो आपके सामने पिक्चर लगी हुई है बगल में, आप उसमें देख सकते हैं। आई का है मैं, मेरे पास, मुझे, मैंने, मेरे को। वी का है हम, हमारे पास, हमें, हमने, हमारे को। यू का है आप, तुम, आपके पास, तुम्हारे पास, आपको, तुम्हें, तुम्हारे को, अपने। ये बहुत सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं। अब इन वर्ड्स को एक एक करके देखते हैं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि एक एक करके आई का क्या मतलब होता है। इसको आप अपनी कॉपी और पेंसिल में लिख लीजिए। ध्यान है आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये निवेदन किया था कि एक क्लास शुरू होने से पहले आप एक कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठे। तो आइए हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको अगली जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप आई के कई मतलब देख रहे हैं, मैं, मेरे पास, मुझे, मैंने, मेरे को। ये कैसे हो सकता है? जैसे मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पे आई का अर्थ हो गया मैं। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, इसमें आई का सेंस मेरे पास हो गया, यहाँ मैं से थोड़ा सा अलग हो गया। मुझे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शब्द एक ही है लेकिन इसके मतलब अलग अलग हो रहे हैं। दूसरा है मैंने, आई हैव टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया है। आई हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की है, शब्द एक ही है आई, लेकिन मैं, मेरे पास, मुझे, मैंने, मेरे को। इनके जो डिफरेंट यूज़ हैं मैं के अलावा, वो आप आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अगली स्लाइड हम देखते हैं, इसमें वी के बारे में हम जानते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं वी का। वी का मतलब होता है हम, हमारे पास, हमें, हमने, हमारे को। एक ही शब्द है वी, लेकिन इसकी हिंदी देखिए कितनी डिफरेंट हो गई। कॉमनली हम लोग वी को हम तो हम के तौर पे देखते हैं कि वी का मतलब होता है हम। इसमें हम देखेंगे जैसे हम, वी आर स्टूडेंट्स, हमारे पास, वी हैव पेंस। अब यहाँ देखिए वी का हमारे पास हो गया, हमें, हमने और हमारे को। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं इनको आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। और अगली स्लाइड को हम देखते हैं यू। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैंने हिंदी बोल दी है, आप अपनी कॉपी और पेन में साथ साथ लिखते रहिए, उसके बाद में आप देखिए और कमेंट में बता दीजिए आपको जो नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको लाइवली बता सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यू में आप देख रहे हैं आप, तुम, आपके पास, तुम्हारे पास, आपको, तुम्हें, तुम्हारे को। ये तीनों सेंस जो मैंने ब्रैकेट बना रखे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप तीन तरीके से कह सकते हैं, जैसे आपको, तुम्हें, तुम्हारे को। जैसे आपको नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे को नहीं पता, तुम्हारे को नहीं मालूम। ये वो भाषा है, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं बात को कहने के। एक ही शब्द के लिमिटेड फॉर्म नहीं है, जैसे आई का मैंने बता दिया इतने सारे अर्थ हैं। जैसे यू, इंग्लिश में कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे यू में तुम भी हो गया, आप भी हो गया, अपने से बड़े को भी यू कह सकते हैं, छोटे से भी यू कह सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में क्या होता है, छोटे को हम तुम भी कह सकते हैं, तू भी कह सकते हैं, बड़ों को आप कह सकते हैं। तो यहाँ डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में किससे कैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपका उसका रिलेशन किस लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंग भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश की अपनी एक लिमिटेशन है जिसमें आपने देखा। तो आइए, आप, तुम, आपके पास, तुम्हारे पास, आपको, तुम्हें, तुम्हारे को, आपने, तुमने, ये यू की हिंदी थी। इसमें से कुछ हिंदी तो आपको आती होगी, हो सकता सारी आती हो, लेकिन इसमें से बेसिक लेवल की जो शुरुआती वर्ड्स हैं वो अभी हम सीखेंगे। बाकी जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको सारे शब्दों की हिंदी और उनको कैसे यूज़ करना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम, दे की तरफ।
अगला शब्द है जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, बोर्ड में आप देख रहे हैं, दे। दे के कई मतलब हैं, वे सब, वो लोग। अब जैसे दे थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं ये आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो इस दे के अलग अलग मतलब है इसमें भी। उनके पास एक कैटेगरी ये हो गई, दूसरा उनके पास, उन लोगों के पास, उन सब के पास, तीसरी कैटेगरी हो गई उन्हें, उन सबको, उन लोगों को, चौथी कैटेगरी हो गई उन्होंने, उन लोगों ने, उन सब लोगों ने, पांचवी कैटेगरी हो गई उनको, उन्हें, उन सबको, उन लोगों को। ये सारे अलग अलग मीनिंग हैं। अब हम देखते हैं ही की स्लाइड अब आपके सामने दिख रही होगी आपको। ही में देखिए क्या है, वो, वह। ही लड़के के लिए यूज़ होता है, यानी मेल के लिए। शी लड़की के लिए, ये तो आप और हम सभी जानते हैं। तो इसका मतलब है वो, वह, उसके पास, उसे, उसने, उसको, उसके। इसके कई मतलब हैं। ये जो जितने मतलब हैं ये आप मान लीजिए कि हमें याद करने पड़ेंगे या हमें समझना पड़ेगा ताकि हम इनका इस्तेमाल कर सकें। अगर हम इनका यूज़ करना चाहते तो हमें आना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आगे शी का देखते हैं। शी लड़की के लिए यूज़ होता है। इसका क्या मतलब है, वो, वह, वो लड़की, वो औरत, वो बच्ची, यानी किसी भी फीमेल के लिए वो इंडिकेट करना हो। उसके पास, उस लड़की के पास, उस औरत के पास, उसे, उसने, उसको, उस लड़की को, उस औरत को, उस लड़की ने, उस औरत ने, उस लड़की को, उस औरत को। तो ये था पहला पार्ट जिसमें आपको बताया गया कि ये वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी। ये वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो हम रिटन या स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल क्लास आने वाली क्लासेस में होंगी। इसमें हमने ये सीखा कि इनकी हिंदी क्या होती है। नॉर्मली हम लोग बुक्स में देखते हैं या हमें जो टीचर्स बताते हैं वो सिर्फ इतना बताते हैं जितना हमारी ज़रूरत का है। इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताया है ताकि आप लोगों को वो जानकारी भी मिल सके और उस जानकारी की मदद से आप अपनी इंग्लिश को और आगे बढ़ा सकें। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी के कितने मतलब होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी वीडियो शुरू हो तो आप अपने साथ एक कॉपी और पेंसिल या पेन जरूर लेके बैठें और क्लास वाइज नोट करें। आप वीडियो के नीचे कमेंट भी दे सकते हैं अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है। अगर मान लीजिए वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको ऑरली बता रखा है, फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर उसे कमेंट में लिख के भेजें, मैं हो सकता अगली वीडियो में उसको क्लियर करूँ। तो ये सारी चीज़ें अब आपको अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ ले चलते हैं। अब आइए दूसरा ग्रुप देख रहे हैं। इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा इसके, इसी परिवार के दूसरे रूप के बारे में। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। ये वो बेसिक वर्ड्स हैं जब आप इंग्लिश को शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो इन शब्दों पे मैं खास जोर इसलिए दे रहा हूँ। इससे आगे आपको अलग वर्ड्स बताएंगे जो आपको शुरुआत में चाहिए इंग्लिश को लिखने या बोलने के लिए। फिलहाल तो हम लिखने की बात कर रहे हैं, रिटन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानिए। माई का मतलब होता है मेरा, मेरे। आवर, हमारा, हमारे। योर, आपका, तुम्हारा, आपके, तुम्हारे। इसके चार मतलब निकल रहे हैं लगभग हमारी हिंदी के अकॉर्डिंग। हिज का, उसका, उसके। हर का, उसका, उसके। उस लड़की का, उस औरत का। देयर का मतलब होता उनका, उन सब का, उन लोगों का। एक शब्द के जितने मतलब हो सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है फिलहाल, वो सारे आपको अब तक बता दिए गए हैं। अब आपको अगली वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ बेसिक वर्ड्स की हिंदी और बताऊंगा, उसके बाद में इनसे हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो इसमें से जो बातें आपको आती थी बहुत अच्छी बात है, जो बातें नहीं आती थी वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, इतने से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इससे पहले आगे हम अगली वीडियो हम सीखेंगे कुछ बेसिक वर्ड्स, इन, ऑन, एट, WH वर्ड्स की हिंदी, और उसको
कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचानी चाहिए उसे आप समझेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। और हर बार वीडियो में ऐसे कुछ सवाल, जैसे आज की वीडियो एक सवाल के ऊपर ली थी मैंने कि कुछ बेसिक वर्ड्स और हिंदी के बारे में सर कन्फ्यूज़न है उसे दूर करिए, अगली वीडियो में इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड कुछ और सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक आप प्रैक्टिस 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 करते जाइए। मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स आपको समझने पड़ेंगे। जब दोनों का मेल होगा इस तपस्या का फ़ायदा तभी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीखा होगा इस वीडियो से तो मैं अपनी मेहनत को सफल मानूँगा। तो आइए अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक इन वीडियोस को अपने दोस्तों में अपने परिवारों में शेयर कर दें ताकि इन वीडियोस की शुरुआत हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो। और इसकी शुरुआत बिल्कुल शुरू से की है मैंने, इसलिए आसान तरीके से की है। धीरे 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 इसका लेवल टफ होता जाएगा, यानी कि इसका आकार इसका लेवल बढ़ता जाएगा ताकि आपको वो सारी जानकारी मिल सके जो इंग्लिश लिखने के लिए चाहिए। बोलने वाली इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें, कनेक्टेड वर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, एक्सेंट क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, उसकी वीडियो सभी आगे मिलेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। भगवान आपका सबका भला करे।